हेलो दोस्तों, मैं मनीष और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ होंडा सिटी में सीएनजी के ऊपर। ये मेरी, आप देख सकते हो, ये मेरी होंडा सिटी की ऑटोमेटिक है, टॉप मॉडल है, पुश बटन सीवीटी गियर सनरूफ के साथ वीएक्स मॉडल है और इसमें मैंने सीएनजी लगा रखी है। हम लोगों में से बहुत लोगों का डर होता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी लगाएंगे तो कैसा परफॉर्म करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि मैनुअल गाड़ी में बहुत सारी आपको दिख जाएगी, बहुत सारी मैनुअल गाड़ीज दिख जाएंगी आपको जिसमें कि सीएनजी लगा होता है, बट आज हम बात करेंगे स्पेशली ऑटोमेटिक की। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस गाड़ी में सीएनजी लगा रखी है। ये स्विच ओवर बटन है सीएनजी का। और परफॉर्मेंस की जहाँ तक हम बात करें तो आप इस गाड़ी का आरपीएम देख सकते हैं। गाड़ी अभी स्टार्ट है, पेट्रोल पे गाड़ी का जो आरपीएम सेट करके कंपनी देती है वो होता है 800 से 900 के बीच, और वही आरपीएम सेम आरपीएम आप सीएनजी पे भी देख सकते हो। आप अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखो कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और जबकि ये गाड़ी सीएनजी पे है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं आता है। जहाँ इशू आता है वो है पिकअप। 5 से 10% पिकअप की कमी ज़रूर आती है, लेकिन हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सीएनजी और पेट्रोल फ्यूल में फ़र्क तो है ही। ये रिव्यू मैं दोस्तों आपको दे रहा हूँ अपनी गाड़ी 57,000 किलोमीटर चलाने के बाद। जब मेरी गाड़ी 37,000 किलोमीटर पे थी तो मैंने इसमें सीएनजी लगाई थी, तो 20,000 किलोमीटर मैं करीब करीब सीएनजी पे चला चुका हूँ एक साल के अंदर, और उसके बाद मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ। तो ये रिव्यू आपके बहुत ही काम के लिए है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एसी भी मेरा ऑन है। अगर आप बात करें एसी की तो एसी भी ऑन है मेरा, और एसी ऑन होने के साथ साथ गाड़ी सीएनजी पे है फिर भी आरपीएम में कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आप चलाओगे इसको तो कोई भी परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आती है। रही दूसरी चीज़ पिकअप की, अगर कभी कभी आपको पिकअप लगे कि डाउन है या किसी को ओवरटेक करना है या कुछ भी, तो आप डी मोड से एस मोड में ट्रांसमिट को डी मोड से एस मोड में ला के ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छे पिकअप मिलेगी और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप गाड़ी सीएनजी पे चला रहे हो। तो अगर भाइयों, अगर आपका मन है सीएनजी पे कन्वर्ट करवाना चाहते हो, या आपकी गाड़ी में वारंटी ख़त्म हो चुकी है, या किसी भी कारण आप चाहते हो कि आप अपनी ऑटोमेटिक गाड़ी में सीएनजी लगाओ, तो आप लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जो टॉप मॉडल है होंडा सिटी का, चाहे वो मैनुअल ट्रांसमिशन हो या ऑटोमेटिक, उसमें एक इकॉन का बटन आता है। इस इकॉन के बटन को अगर आप यूज़ करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इकॉन की लाइट ऑलवेज़ ऑन रहती है। अगर आप इसको ऑन है, मैंने इसे ऑफ़ किया तो ऑफ़ हो गई। आप देख सकते हैं आरपीएम पे कोई फ्लक्चुएट नहीं पड़ रहा है। अगर मैं ऑफ़ भी कर रहा हूँ, ऑन भी कर रहा हूँ पेट्रोल पे, तो सेम सारा कुछ, सेम सिस्टम वही है कि हमारा गाड़ी में ऐसा कुछ इशू नहीं है। जो पिकअप आता है, पिकअप आएगा ही, 5-10% आपको लगेगा कि पिकअप गिरी है मेरी ज़रूर। उसके लिए आप वैसे तो नेगलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए ज़्यादा पिकअप तो आप एस मोड में ट्रांसमिट को डाल के चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप इस उधेड़बुन में हैं कि मैं सीएनजी लगाऊं ऑटोमेटिक गाड़ी में या नहीं, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी ऐसे इशू नहीं आएगी होंडा सिटी के अंदर। और दूसरी चीज़ अगर रही मेंटेनेंस की, तो हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि गाड़ी का जो भी, यहाँ पे आप देखोगे एवरेज है, इन सब चीज़ को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। एवरेज वगैरह डजंट मैटर, क्योंकि सीएनजी में एवरेज भी अच्छी खासी मिल जाती है। बस आपको क्या करना है, आपको 1,000, 2,000 या 3,000 किलोमीटर पे पीरियोडिकली अपने आप आपको एयर फिल्टर चेंज करना है गाड़ी का। आप एयर फिल्टर चेंज करते रहिए, टाइम से सर्विसिंग करवाते रहिए। आप एयर फिल्टर चेंज मत करिए 1,000, 2,000 किलोमीटर पर, आप उसको क्लीन कीजिए। सर्विसिंग, हर सर्विसिंग पे आप उसको चेंज करवा दीजिए, और सेल्फ आप उसको बड़ी आसानी से क्लीन कर सकते हो 2000 किलोमीटर पे, 4000 किलोमीटर पे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसको प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा होंडा सिटी के बारे में जानने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।